पांचों पांडव राजा कमलनयन के वहां छुप करके अपना समय व्यतीत कर रहे थे। अचानक से कीचक का वध हो जाता है और हस्तिनापुर में जब ये सूचना लगती है कि कीचक महारथी मारा गया तो दुर्योधन कहते हैं कि गुरुजी हो ना हो राजा कमलनयन के वहां पर ही पांचों पांडव छुपे हुए हैं, क्योंकि कीचक को बलराम भीम और मेरे सिवाय को मारने वाला नहीं है धरती पर। मैं हस्तिनापुर में हूँ, बलराम द्वारकापुरी में जो गुप्त व्यास में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, वो केवल एक भीम बचता है। हो ना हो भीम ने कीचक का वध कर दिया। अपनी सेना को सजा करके चल देता है। उधर रानी सुदेशना का भाई कीचक जो जब द्रौपदी को देखता है तो उसके रूप सौंदर्य को देखकर के उसके ऊपर मोहित हो जाता है। उस समय कीचक अपनी बहन सुदेशना से कहते हैं कि जाया उस दासी को मेरी मढ़िया में मदिरा लेकर के भेज देना। तो किस तरीके से डर जाती है रानी सुदेशना, महाराज कमलनयन से कहती है, लेकिन महाराज कमलनयन को वो कीचक धमका देता है। मद में बल में चूर था, किस तरीके से एक बात के द्वारा कैसे राजा कमलनयन से महाराज कीचक कहते और कीचक का मुंह मोड़िया इस धरती ऊपर मिले नहीं। कीचक का मुंह मोड़िया धरती ऊपर मिले धरती ऊपर मिले नहीं। ओ की
होवे बाहर रंडापे में चकने धमकावे क्यों तेरी बिगड़ी अकल बुढ़ापे में साफ हो जाता है। जो हमारी बुजुर्ग माता बहने वो जानती हैं कि पहले बर्तनों को कितने मेहनत से मांजा जाता था। क्या कुछ नंबर तीन में बता रहे कैसे छोटे जो भी ठाने